मित्रों नमस्ते, मैं बलराम किशान। मेरे मित्र हैं YouTube के सब्सक्राइबर और गुजरात में हूं मैं, राजूला गांव है ना, तहसील राजूला, तहसील और जिला अमरेली में। तो ये अभी तक मैं मिला नहीं हूं, पहली बार मिल रहा हूं। भैया आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना, नाम पूरा और एड्रेस। राम को भाई दाखड़ा, हाँ राजूला। आपको पहली बार कैसे पता चला बलराम कौन है क्या है? ब्लूटूथ में देखकर, आप यूट्यूब में देखकर? यूट्यूब में देखकर, आपका आपका हम हर दिन आपका यूट्यूब देखते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें देखकर प्लांट लगाया। आज जब आप नहीं आएगा तो आपके साथ झगड़ा होता है, झगड़ा हो जाए। मित्रों पहली बार मिल रहा हूँ मैं इनसे, और यहाँ पर रेवा G9 रेवा प्लस मेरी गाइडलाइन, कुछ ना कुछ बातचीत चर्चा होती रहती है। आज मैं आया हूँ इनकी फील्ड पर। भूपेन जी कवर कीजिएगा, फील्ड पे ही चले, खेत पे आओ भैया। पुश करने का भी ऑप्शन है, पुश करके आगे और फ्लड भी। नहीं नहीं और तो नहीं, अभी इतना बड़ा उसमें इतना आता अंदर, दरारें आ गई थी, दरारें इतनी बड़ी हो गई थी ना, इसलिए एक आधा पौना फुट के। इसलिए पहले एक छोड़ के एक को लगाया, बाद में एक में दरार हुई तो दूसरे में लगे। अभी एक पहली वाली है उसमें थोड़ी थोड़ी दरार दिखती है। वो भी सुन लिया आपने मेरा, एक छोड़ के करना पानी है। बस एक दूसरी दिक्कत है, ये हमारी ड्रिप है ना, हाँ 12-13 साल पुरानी है, हाँ इसलिए ज्यादा आगे पीछे करते हैं तो चालू हो रही होगी। हाँ आप इधर आ जाओ बालाजी, आप लोग ये आप लोग रहो ना, तो ऊपर ही जाइयो। हाँ हाँ गर्म पानी दे रहे पानी सब कुछ यहाँ से इधर रेवा है, इधर 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 रेवा है। हाँ बराबर, वहाँ भी रुक सकते थे, कोई नहीं, आ जाओ अंदर बात करेंगे। भैया अंदर ही आ जाओ, आगे भैया से परिचय आपका नहीं होगा शायद। जी सागर ओपाडेकर जी हैं, आप बॉम्बे से हैं, कोल्हापुर, कोल्हापुर आपसे, आप गुजरात से निकले तब उनसे दोनों मुलाकात। हाँ उस पे आ गई थी बस, और हम गुजरात जाने के लिए हम निकल मुझसे और भी बेहतर भैया भी सिखा पाएंगे। भैया यहाँ पर इनके पास जमीन में कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, पानी में कोई दिक्कत नहीं जी, मैन पावर में कोई दिक्कत नहीं जी, केला पहली बार कर रहे हैं जी, क्या बेस्ट कर सकते हैं अभी ऐसा है? हाँ। इसमें क्या रिपेयर कर सकते हैं? अभी रिपेयर करने की बहुत जरूरी चीज क्या है, सबसे पहली वाली कि अभी अगर देखा जाए तो मैंने जब जैसे बताया आपको, हाँ। कि
ये पोर्शन में चौकअप हुआ था, ये देखो ये सारी पत्ती जो है इकट्ठा आ गई, इस वक्त में गड़बड़ी हुई है, उसके बाद ग्रोथ चालू हुई, वो जाके अभी वापिस इधर अटक गई। अभी देखो ये सारी इधर से इधर तक, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 5 से 6 जो बता रहे हैं, यहाँ हाथी चला आया था, जड़ें टूट गई थी तो रुक गया था, पता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको उधर ही रिकमेंडेशन क्या दिया है कि आपको प्लांटेशन ही बेड पे करना है, उसके बाद में कोई गड़बड़ी नहीं। अभी ये जो बेड का ये जो सिस्टम है आपका, इसमें गड़बड़ी क्या है, ये बेड के उस तरफ में मिट्टी नहीं है, बेड होना चाहिए आप जहाँ बैठे हो वहां से यहाँ तक, इतना बड़ा बेड होना चाहिए। तो इसके सेंटर में प्लांट लगता है, इधर भी मूल चल सकती है, उधर भी मूल चल सकती है, पाइप दोनों तरफ है, दोनों तरफ पाइप होनी चाहिए। पाइप तो एक तरफ लगाई, इससे क्या वो एक ही तरफ कर दी, वो दोनों तरफ करनी है, तो दोनों तरफ की मूलियां चलेगी तो प्लांट खड़ा रहेगा, नहीं तो अभी पानी उधर मिल रहा है तो इधर की मूली भी घूम के उधर जाएगी पानी के लिए। वो हम बता दे जी, वो ड्रिप है ना, वो 12-13 साल पुरानी है, तो भी क्या हुआ लगता है ना, नहीं नहीं यहाँ से वहाँ तक 10-15 जॉइंडर है, वो निकलता है, कर लेंगे उसको आगे रिपेयर। हाँ अभी समझे, लेकिन जो जरूरत है वो, बाकी ऊपर में अगर आप देखते हैं तो 6 पत्ते पूरे लटक के आए, अटक गए हैं 6 पत्ते, यानी पिछले 1.5 महीने में उसने मूली से खाना लेना ही नहीं है, जो भी है बॉडी से ज्यादा यूज करके खत्म कर दिया है, समझ रहे, ये जा रहा है ये पत्ता। हाँ ये नीचे का स्टोरेज ऊपर जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें जो है आपको समझनी है कि ग्रोथ पे आपको ध्यान देना है, तो 2 पत्ते के बीच का गैप कंटिन्यूस देखते रहो अभी। हाँ, और ये पत्ते की जो साइज है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, छोटा होता नहीं आना चाहिए, हर पत्ता पहले से बड़ा 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 होता जाना चाहिए। तो ये 2 चीजों पे आपका ध्यान होना जरूरी है। और जो घुंघरी है ऊपर की वो सीधी खड़ी रहनी चाहिए, आते समय वो गिरनी नहीं चाहिए। आप दूर से देखते हैं तो अब भी खड़ी हो रही है, हो रही है, लेकिन 100 खड़ी नहीं है, आधी आधी धीरे धीरे बेंड होते होते खड़ी हो रही है। तो थोड़ा सा अभी आपको इधर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। और ड्रिप है तो ड्रिप से ही पानी दो, फ्लड से मत चला, इससे नुकसान क्या होता है। एक बार हम दोनों इधर बैठा था अंदर ही, वो आपकी बात सही है, वो आपका इफेक्ट भी सही है, आपकी सोच भी सही है, सब कुछ हम नहीं, लेकिन उसमें क्या बोलता हूँ मैं कि आपने अगर ये गलती से अगर इधर पानी चलाया है, ये पानी चलाने के बाद फिर इधर पानी चलाया, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इधर की जो मूलियां इधर सेटल हुई है वो भाग के फिर यहाँ आ जाएगी, अल्टी पल्टी फिर यहाँ का पानी नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ से बंद हो जाएगी, फिर वो नया इधर डेवलप होगी। इसके चक्कर में क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ पूरी अटक जाती है। मतलब ड्रिप रखे तो केवल ड्रिप, और फ्लड रखे तो केवल फ्लड। बारिश जब ठंडी आती है तो ठंडी से पहले की ट्रीटमेंट में क्या करना है कि ठंडी में पानी का भरण करना है, यानी अभी ठंडी आ रही है, ये जो भड़ोल है ये डुबा, ये मुझाने के लिए, बंद करने के लिए आपको ये जो ड्रिप है, ये दोनों तरफ अगर ड्रिप है तो लगातार 3-4 दिन कंटिन्यूस चलाओ, इसी को चलाओ, पूरा पानी होने दो। और साथ ही साथ शुरू में पहले ही दिन शुरुआत में ही आधा घंटा पानी चलाओ, उसके बाद 1 एकड़ में या मैंने 2 बींगे में 1 बींगे में 0.5 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रिप से छोड़ दो। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जो साल्ट है उसको तोड़ देगा और जमीन पूरी स्पोरल हो जाएगी। स्पोरल होती है तो ये जो भड़ोल है वो पैक हो जाएगी। ये 3-4 दिन जब पानी चलाएंगे ना तो इसमें पानी भरेगा तो जमीन इनहांस हो जाएगी, ने फूल जाएगी, जैसे फूलेगी ये गैप भर जाएगी, जैसे भरेंगे उसके बाद, लेकिन 10-12 दिन तक पानी खींचते रहना है आराम से। तब खींचेंगे तो क्या करेगा, एसिड दिया हुआ है, फूला हुआ है तो एक दूसरे को चिपक के बाइंड हो जाएगा। तो आराम, उसके बाद ठंडी में आराम से पानी दोनों, ज्यादा नहीं देना है, इसको बोलते हैं ठंडी का नियोजन, इसमें पानी का भरण। गड़बड़ी क्या है, ये मैसेंजर, ये अभी ये जो सारी मूलियां है देखो, ये व्हाइट आ गई, इसमें क्या होता है, ये जो 1.5 फीट का दायरा है इसमें रूट साइकिल घूमता रहता है, ठीक है। इसमें ये जो रूट आती है इसको बोलते हैं फीडर रूट। ये फीडर रूट के पहले एक आता है रनर रूट, यानी सॉरी फीडर रूट का मेन फीडर रूट, ये जो बड़ा रूट आता है ना, अभी ये डायरेक्ट इधर से आ रहा है, तो ये जो रूट आ रहे हैं ना, इसका जो कालावधि रहता है ये 72 घंटे का रहता है। ये देखो ये साइकिल है, ये 72 घंटे में क्या करता है, नया मूल व्हाइट रूट आता है और 72 घंटे के बाद बंद भी है, ये वाला रुक जाएगा, हाँ नया आ जाएगा, नया आ जाएगा। हम
सोता है, फुग नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फंगस नहीं है, दिक्कत नहीं है। 72 घंटे का इसका साइकिल होता है साल के क्रॉप में, यानी जो एक साल का क्रॉप होता है उसमें 72 घंटे में व्हाइट वाली मूली आती भी है और बंद भी हो जाती है, उसके बाद नहीं आएगी। ये नहीं नहीं आएगी, इसमें व्हाइट रूट नए नए आएंगे, इसलिए हम 4-4 दिन में खातर देते हैं इसको, 72 घंटे में एक बार, 72 घंटे में एक बार। इसका साइकिल 72 क्यों रखा है, क्योंकि इसकी जो रूट साइकिल है वो रिस्टार्ट होती है या रिस्ट्रक्चराइट होती है वो 72 घंटे में होती है। ठीक है, समझ गए। बढ़िया डोज देता था हम, एक महीने से तुम बोलता 72 घंटे वाला रूट शुरू किया, ये भाई जितना देना है इतना ही दो, लेकिन 72 घंटे थोड़ा थोड़ा कर, थोड़ा थोड़ा करके दो, थोड़ा थोड़ा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं नहीं, 6 महीना दिन से ऐसा कर रहा था, शुरू किया है। ये जो होती है ये जो है ये बाद में फीडर रूट आई है, ये फीडर रूट आगे जाती है, इसको ये रूट डेवलप हो जाती है। तो ये जो रूट है ये बंद है, ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये लगातार चलनी चाहिए। कट होके रुक गया। हाँ, इसमें जान ही नहीं है ना, ये देखो इतना, ये देखो इसको आएगा व्हाइट रूट, दिखता है? ये ऐसा बढ़ता रहे ना कि 1.5 फीट के दायरे में रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये बंद होने का दिक्कत क्या है कि इन्होंने जो पहले निक में लगाया है, निक, पहले निक में लगाया है, निक में लगाने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ाई है, हाँ उल्टी आ गई है, ये दिख रहा है ना, ये क्या है उसकी वजह, फिर हाँ उल्टा हुआ है, जो आप बोल रहे थे वहाँ वो, हाँ उल्टा हो गया है, ये देखो ये सारी नीचे से ऊपर मूली आ गई, ऐसा मूली चला, उल्टा चला भैया ने ले लिया है। ये भैया तो वो बोला था कि भाई वो बढ़िया ये पाला मत लगाने का, अभी ने कि बारिश बहुत थी तो थोड़ा टाइम लगा इसलिए मूली टूट रही थी, फिर भी मैंने वो गलती मेरी, बालाजी ने तो मना बोला था कि पाला अब रहने दो, करना पड़ेगा। आज का सेशन आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम भैया ने बताया है कि कैसे करना है, बस फिर उतना ही करो, एक्स्ट्रा मत। ये देखो ये जो समझा रहा था ना मैं, ये बेड़ के कैसे होता है, मूली आई तिरजी 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 आई, इससे जमीन में नीचे उतर गई, समझ रहे? उल्टा हो जाएगा ऐसे। वो गड़बड़ है। हम जहाँ छोटा पाले लगाता है ना वो पाइप रखता है ना, तो इतना ज्यादा मूली होती है ना, ये ऐसा ही होता है, इधर मूली तो बहुत ज्यादा है, पूरे में फैल गई है, इधर भी नहीं, ही रनर रूट है, ही सपोर्ट करती है, ही इथून खाली जाणार, हा आता ही इथे येऊन थांबले आहेत, काय तरी नंतरचा पारा आहे, आता ही हळू हळू खाली येतो, पण मध्ये 2-2.5 फुटापर्यंत मूळ येते, नाही असणार की ते मग 5.5 ते 11 फुटापर्यंत जातात, पण त्या मुळे आहेत ना, त्यानंतर तुम्ही आता कल्टिवेशन मध्ये तुडून टाकणार, ते सपोर्ट गेला ना, मरून सपोर्ट कसा राहील, आता हे आता अन्न खाणारे मुळे आहेत, हे बेड मध्ये माझी मराठी उभी आहे, त्यामुळे लावायचं तर बेडवरच लावायचं, गडबड करायची नाही, हा मग आता हे क्रॅक सुटू नये म्हणून काय करायचं, मग पाणी चालवताना क्रॅक कधी सुटतात, पावसाच्या नंतर आणि थंडीच्या तोंडावर, थंडी सुरू व्हायला लागली की बऱ्यापैकी क्रॅक सुटायला चालू होतात, त्यावेळेला पाणी भरून करून घ्यायचं, पण ड्रीप न करायचं, पाठानं करायचं नाही, इधर पे 1 महीने अभी 1 महीने का शेड्यूल, पहले हम क्या करेंगे अभी, आता यांना काय करा, 10-20-20-24-24-0 DAP, एकदा 24-10-20 एकदा DAP, 24-24-0 बरोबर एकदा 0-0-50 प्लस अल्युमिनियम सल्फेट फॉस्फेरिक ऍसिड, रन करून टाका, पट 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 जाते, त्याच्यामध्ये कसं आहे की ऍसिड ट्रीटमेंट करून जे वॉटर सोल्युबल देतो की नाही आपण, त्याला सबस्टिट्यूट आपण देणार, पण ते ऍसिड ट्रीटमेंट करू, ते शिक सांगतात तुम्हाला, त्यांचा नंबर अभि कितना प्लांट लगाय आपण पुरा मिला की 21,000 नंबर लिहिले बहुत ज्यादा लगाना है हमको, गमे त्यारे मोकलो आवी जाय, મને આ ભાઈ જે કહે ને મને હાજર કહે એટલે બીજે દિવસે અહીંયા આવી જાય, ટ્રીટમેન્ટ બહુ લગાના હે।